हेलो ऑल, नमस्ते एंड अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है संडे और अभी हम तीनों जा रहे हैं माता रानी के दर्शन करने। मंदिर हमको नहीं पता था, बस इतना पता था कि इस एरिया में है, और जैसे ही वहाँ पे आए तो आवाज़ें आने लगी गानों की, जो आरती है उसकी। तो जब गली में चलते हुए जा रहे थे तो लोग दिखे, मंदिर की आवाज़ें आई, घंटी की आवाज़ें आई, और फाइनली हम मंदिर पहुँच गए। ये दुर्गा माता का मंदिर है, और पहले पता नहीं था मैं अकेले भी यहाँ तक आ सकती थी, लेकिन कोई बात नहीं, रियांश और अश्विन को भी दर्शन करना था और उनके साथ भी मुझे आना ही था, क्योंकि आज मुझे माता रानी की ओटी भरनी है। बहुत दिनों से मैंने सोचा था, लेकिन मंदिर ही पता नहीं था इसलिए मैं अकेली जा नहीं पाई। अश्विन को थोड़ा बहुत आइडिया था, लेकिन फिर भी वो भी कन्फर्म नहीं थे। तो ये है दुर्गा माता का मंदिर। तो अभी तक आपने भी कहीं दर्शन नहीं किया होगा तो आप भी दर्शन कर लो, बहुत सुंदर मूर्ति है। और ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी और बहुत पास में था। और कब से मुझे ना ओटी भरनी थी माता रानी की, तो सब सामान मैं तो पहले ही दिन लेके आई थी। जिस दिन मैंने आपको दुर्गा माता और शारदा माता ये सब मूर्तियाँ दिखाई थी ना, उसी दिन मैं ओटी का सामान लेके आई थी। लेकिन उसके बाद 3-4 दिन मैं ऐसे ही चले गए, और फिर सैटरडे संडे आया तो सैटरडे को बिल्कुल टाइम नहीं मिला, इसलिए आज मैंने सोचा कि चलो इन दोनों को भी साथ में लेके चलती हूँ। पूरा सामान, जैसे कि मैंने चुनरी, श्रीफल, उसके ऊपर जो सुहागन का साज होता है वो, और 5 वो रखते हैं, क्या बोलते हैं उसको, खोबरा, बादाम, ये सब रहता है उसमें। हल्दी कुमकुम लगाना है उसको, और माता रानी की ओटी भरनी है। मैं थाली लेके जाना भूल गई थी, और अच्छा हुआ वहाँ पे थाली मिल गई, क्योंकि ये नीचे नहीं रखते। वैसे माता रानी की छोटी सी मूर्ति भी सामने रखी थी, तो उसकी ही पूजा करके मैंने वहाँ पे ओटी चढ़ा दी, वहीं पे रखनी थी। फिर पंडित जी आके एक एक ओटी वहाँ पे अंदर लेके जा रहे थे, और फूल वगैरह भी लेके गई थी, तो बहुत अच्छे से दर्शन हुआ। और जब कोई चीज़ हो जाती है, मतलब इतने दिनों से मैं सोच रही थी कि मुझे करना है दर्शन, ओटी भरनी है, और फाइनली आज हो गया ना, और इन दोनों के साथ हो गया। मैं तो अकेली जा सकती हूँ, लेकिन इन दोनों का नहीं होता है, तो रियांश का भी हो गया, अश्विन का भी हो गया, और बस अच्छे से हो गया सब। आपने भी अभी तक दर्शन नहीं किया है तो कर लीजिए। सर्व मांगल्य मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते। बहुत दिनों से इंदौर वाली कचौरी नहीं खाई थी, तो हमने सोचा कि चलो इंदौर वाली कचौरी खा लेते। और जाते जाते दत्त मंदिर लग गया, और वहीं के भी, मतलब दूर से दर्शन तो कितनी बार हो जाता है दत्त मंदिर, और बहुत दिनों से मैं भी दत्त मंदिर नहीं गई हूँ, अभी मुझे भी जाना पड़ेगा। देखते हो इस गुरुवार या तो फिर जब भी टाइम मिले, ऐसे सोच के जाएंगे ना तो टाइम मतलब पता ही नहीं चलता है, कभी भी गए तो जल्दी से हो जाता है जाना। तो कचौरी हम लोग खाएंगे नहीं, क्योंकि हाथ अभी अच्छे नहीं है, पार्सल ले लेंगे, और बहुत दिनों से खाई नहीं थी। अश्विन को तो पसंद ही है, और अश्विन खाते हैं इसलिए मैं खा लेती हूँ, रियांश को भी पसंद है। कचौरी लेने के बाद फिर थोड़े से फ्रूट्स लेने थे, क्योंकि फ्रूट्स अभी घर में रहते ही है, क्योंकि रियांश का ऐसे हो गया अभी कभी भी भूख लग जाती है, तो इसके लिए फ्रूट्स हमेशा मैं घर में रखती हूँ। फिर आने के बाद कचौरी खाई, सामान निकाला, और भूख लग गई थी तो इसलिए खाना बनाने में लग गई। अश्विन को जल्दी, हम तीनों ही जल्दी खाना खाते, तीनों नहीं, रियांश को कोई खाने से मतलब नहीं है, उसको बस खाना मतलब एक काम ही लगता है, तो वो तो खेल के आने के बाद 9, 9:30, 10 बजे भी खाना खा लेता है। लेकिन हमको जल्दी आदत है, इसलिए सुबह का तो जो थोड़ा बहुत बचा था वो मैंने अश्विन को दे दिया। और अभी मैं रियांश और मेरे लिए, मतलब अश्विन भी खाएंगे, तो यहाँ पर मैं मूंग वाले डोसे बना रही हूँ, जो मैंने स्प्राउट्स बना के रखे थे उसके डोसे, बहुत बढ़िया बनते हैं। कुछ नहीं, थोड़े से मसाले डालने हैं, स्प्राउट्स को अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लेना है एकदम बारीक, और उसमें थोड़ा सा चावल का आटा मिला देना है, और बहुत अच्छे डोसे बनते हैं, बहुत हेल्दी रहते हैं। अगर आपको हेल्दी खाना खाना है, टेस्टी भी चाहिए, फटाफट भी बनना चाहिए, तो ये मुझे बेस्ट लगते हैं। रियांश को भी पसंद है और हम दोनों को भी पसंद है, तो ये मैं फटाफट बना दूंगी और आपको दिखाती हूँ कि बनने के बाद एकदम कुरकुरा बन जाता है। उसमें बेसन मत डालना, मैंने देखा बहुत सारे लोग बेसन डालते हैं, बेसन नहीं डालना है, उसमें चावल का आटा डालना है, तो जल्दी से कुरकुरे बन जाते। नहीं तो क्या होता है, बेसन या फिर और कोई दूसरी चीज़ डाली ना आटा, तो अंदर से वो चिपचिपे रहते हैं, ऐसे कुरकुरे नहीं बनते हैं। तो दोनों ही साइड से बिल्कुल डोसे जैसे बनेंगे, और टेस्ट में भी एकदम बढ़िया लगेंगे। तो इसके पहले भी मैंने इसका एक वीडियो शेयर किया है, अगर आप नहीं देखे मेरे वीडियोज़ तो प्लीज़ जाके चेकआउट कर लेना।
हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक। आई होप आपने भी माता रानी के दर्शन कर लिए होंगे। मैंने अच्छे से वीडियो लेने की कोशिश करी है, लेकिन वहाँ पे अंदर इतनी ज़्यादा लाइट थी ना कि प्रॉपर वीडियो नहीं आया अंदर का। लेकिन दर्शन बहुत अच्छे से हुए और मंदिर पता नहीं था, लेकिन अंदर जैसे गए तो वो आवाज़ें और वो आने लगी तो समझ में आ गया। और मुझे कितने दिनों से ओटी भरनी थी, और पहले के 3-4 दिन तो ऐसे ही चले गए। फिर अभी सैटरडे संडे था, आज भी हो नहीं रहा था, कल जाने का सोचा था, लेकिन कल स्कूल भी है ऑफिस भी है, तो इसलिए आज शाम को भर के आए। और बहुत अच्छा लगा, पता है, मन में जब एक इच्छा होती है और वो लेट होते जाता है या फिर जब कंप्लीट होती है ना, बहुत अच्छा लगता है। तो बहुत अच्छे से दुर्गा माता के दर्शन हुए, छोटा सा मंदिर है लेकिन बहुत अच्छा हुआ। और अभी आपने देखा, मैंने डिनर में डोसा बनाया था, सुबह का था थोड़ा सा, और डोसे बहुत टेस्टी बनते हैं, बहुत हेल्दी रहते हैं। इसे एक्चुअली ना सुबह खाने में ज़्यादा अच्छे रहते हैं, ये सुबह ब्रेकफास्ट के लिए। लेकिन अभी कुछ नहीं था, मुझे जाना है गरबा खेलने, और आज हम लोगों ने डिसाइड किया है कि स्कर्ट या फिर जिसके पास चनिया चोली है, घाघरा या जो भी है, वैसे कुछ पहन के जाना है। तो मेरे पास चनिया चोली तो है नहीं, लेकिन अगले साल मैं ज़रूर लूँगी, मैंने सोचा है। लास्ट टाइम भी मैंने ऐसे ही बोला था, लेकिन इस बार मेरा सच में जाना कहीं भी नहीं हुआ, बट अगले साल पक्का मैं आपको चनिया चोली में दिखूंगी। तो अभी मैं दिखाती हूँ कि मैं आज क्या पहनने वाली हूँ। ये कल का ही मेरा सामान ऐसे पड़ा हुआ है, साड़ी, और ये यही करने के लिए मुझे आज टाइम नहीं मिला। तो आज मैं पहनूंगी ये देखिए, ये वाला है एक मेरे पास, तो मैं सोच के मैं यही पहनूंगी, देखती हूँ। आई होप इसमें मुझे अच्छे से करते आए। तो ये इसके ऊपर कहाँ गया ढूंढना पड़ेगा। हे भगवान, हाँ मिल गया। तो ये है चुनरी और ये इसके ऊपर का ब्लाउज। तो बस अभी तैयार होती हूँ, थोड़े से बर्तन पड़े उसे कर लूँगी, क्योंकि आते आते मुझे पता है 12:30 बजते हैं, तो वो सब करके जाऊँगी। कल की साड़ी भी मैंने अच्छे से घड़ी करके नहीं रखी, इसे कर लेती हूँ और पहले, और फिर तैयार होंगी तो आज भी थोड़ा सा वीडियो तो शेयर करूँगी ही। सो स्टे ट्यून्ड। और उधर से आने के बाद मैंने मुँह भी नहीं धोया, जैसे मैंने तैयार हुई थी मंदिर जाने के लिए वैसी ही हूँ। सिर्फ मैंने जो सेट लाया था ना, जो ऑक्सीडाइज ज्वेलरी वाला, वो मैं पहनूँगी और इस पर बहुत अच्छा दिखेगा। कान के झुमके मुझे थोड़े से हैवी लगे, जब हाथ में पकड़े थे तो उतने हैवी नहीं, लेकिन कान में थोड़े से हैवी लग रहे थे। पर चनिया चोली और ये सब होता ना, पूरा गेटअप करके हाथ में भी मैं चूड़ियाँ पहन के जाऊँगी, और ये इसके साथ भी मैच हो रहा है, मतलब लग रहा है ऐसे कि मैं गरबा करने जा रही हूँ। ये इस तरीके से मैं हो गई हूँ रेडी, और देखो उस दिन लाया हुआ सेट पहना बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत मतलब अच्छे से गेटअप आ गया है, और आई होप आज मैं और अच्छे से डांस कर पाऊँगी। सो बस 5 मिनट में नीचे जाऊंगी, और बाल तो मैं ऐसे ही रखूंगी, क्योंकि वैसे भी मुझे बाल बनाते आते नहीं है, सो ऐसे ही बाल है, और झुमके थोड़े से हैवी है तो कान नहीं दुखने चाहिए बस। तो इस तरीके से मैं रेडी हुई हूँ, और कैसी लग रही हूँ ये आप कमेंट में बताना। तो चलिए फिर जाते हैं गरबा करने। साढ़े 11 हो गए हैं, और कल बच्चों की स्कूल है, इसलिए आज गरबा को जल्दी ख़त्म कर दिया, क्योंकि कल सुबह उठना होगा, बच्चे भी नहीं उठेंगे, क्योंकि जब तक हम नीचे खेलते हैं तब तक बच्चे भी हमारे साथ रहते हैं, खेलते रहते हैं। कल स्कूल है इसकी वजह से आज जल्दी गरबा ख़त्म कर दिया, जल्दी आई मीन 11:30 बज गए हैं, वरना 12:30 बजते हैं। तो बस अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, फ्रेश होती हूँ और फिर सो जाती हूँ। कल स्कूल है, फिर
परसों शायद होगा 12-12:30 बजे तक गरबा। तो चलिए फिर आज के वीडियो को हम यही स्टॉप करते हैं, मैं मिलती हूँ आपको कल के वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।